हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत। आप देख मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ब्रदर। दोस्तों आज बात करेंगे हम CB28 पंप की टेस्टिंग की। तो चलते हैं टेस्टिंग के लिए और बताते हैं पहले पाइपें जो लगती हैं कैसे कैसे लगेंगी। सब पाइपों को बताते हैं पहले शुरू से लग के। ये पाइप जो है खींचेगा जहाँ से सक्शन करेगा पंप, उस पाइप है टंकी से लिया हमने इस पाइप को। पाइप के बाद ये आ जाती है फिल्टर में, 10 माइक्रोन का फिल्टर है। वो फिल्टर से निकल के इसका फिल्टर हो गया, इधर से एंट्री होएगा, इधर सेक्शन होएगा, इधर से निकलेगा वो जाएगा बेन पंप में, जो CB28 का बेन पंप है। इन में ये इन पाइप है, यहाँ पे लग जाएगी जाके। और ये साथ में सेक्शन प्रेशर की गेज है हमारी कि पंप जो है कितना सेक्शन कर रहा है डीजल को, वो बताएगा हमें। उसके बाद ये पाइप निकलेगी, जो आउट वहाँ से निकलेगा ऑयल बेन पंप से, वो जाके लगेगा फिल्टर में। ये 5 माइक्रोन का फिल्टर है, इसमें जाके लग जाएगा। उसके बाद जो पाइप निकलेगी आउटपुट वहाँ से, वो लगेगी इस पंप में मेन में, जहाँ पे मेन पाइप लगती है। और ये जो पाइप जो है ये गेज की बेन पंप प्रेशर की पाइप है कि बेन पंप प्रेशर कितना आ रहा है वो यहाँ पे शो होगा। इसका रिटर्न वाल्व है, ये दोनों रिटर्न है, ये दोनों में से एक हो रही है। और जाके आगे हमें इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे कितना आ रहा है इसके रिटर्न। रिटर्न का हो गया, इधर से 2 रिटर्न आ रही हैं एक। और ये जो पाइप है लुब्रिकेशन के लिए पाइप है इंजन ऑयल की, जो हम इसको लुब्रिकेशन देनी पड़ती है। ये हमारा लुब्रिकेशन पंप है, इसका प्रेशर 5 बार का रखना होता है टेस्टिंग के लिए समय। और वो जो है वो रिटर्न की पाइप है, इंजन ऑयल की रिटर्न की पाइप, एक साइड से अंदर जाएगा तो दूसरी साइड से अंदर निकलेगा। ये हमारी रेल पे लगेंगे जो मेन पाइप है, दोनों सिलेंडर से निकला और रेल में लग गया। और ये मेन क्वांटिटी बताएगा हमें कि कितना तेल आ रहा है। ये दो आगे जाके 2 डिवाइड होते, तेल ज़्यादा होता है, ग्लास पूरी भर जाती है। आगे से 2 में डिवाइड के रखा है। ये हमारे मीटर यूनिट की तार है जो जाके हमारे सिमुलेटर में लगे जाके आगे। ये सिमुलेटर है इसका, ये हमने ऑन कर दिया। और ये मशीन हमारी 625 बोश का टेस्ट बेंच अपडेट के साथ। ये मशीन पूरा हो गया हमारा कंप्लीट, हमने मशीन का कवर लगा दिए। तो अब इसकी करते हैं हम टेस्टिंग। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। ये हमारा चार्ट है और मशीन चलाएंगे। मशीन ऑन कर ली हमने, इसके आरपीएम रखेंगे 300। देखो हमारी मशीन चल गई है 300 आरपीएम पे। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये पंप जो है दो तरह के होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका ध्यान रखना थोड़ा। ये हमने 1400 बार का प्रेशर सेट कर दिया और मीटर यूनिट का जो ZME दे रखा करंट उसको 0.4 एम्पीयर का रखेंगे। पे सेट करेंगे, 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे जो कोई उसके कोई दिक्कत नहीं है। मशीन हमारी चलती 300 आरपीएम पे। देखो 1400 बार प्रेस सेट कर दिया और पंप अपना प्रेशर जनरेट कर रहा है। ये आरपीएम इसके 300, स्ट्रोक हमेशा सिंगल ही रहेगी इस पे, 100 स्ट्रोक। यहाँ पे हम डिलीवरी चेक करेंगे, ये हमारी डिलीवरी आ रही है। इसका मेन आता है 251 और 260 रिटर्न आती है इसकी। देखो दोस्तों ये हो हमारा रन टेस्ट हो गया और ये बेन पंप प्रेशर बता रहे हैं।
हमारा सक्शन प्रेशर है, आगे टेस्टिंग आरपीएम 1000 आरपीएम पे, रीडिंग लेंगे इसकी 1000 आरपीएम पे। ये वेन पंप प्रेशर आ रहा है हमारा, और ये हमारा सक्शन प्रेशर आ रहा है, पंप कितना सक्शन कर रहे थे को। ये आगे 1200 पे आ गए इसका, एक सक्शन प्रेशर हो गया हमारा। आगे 700 पे रीडिंग रखेंगे इसकी, 700 पे कर दिया, 4 एम्पीयर पे, और वेन पंप प्रेशर इसका 4.5-5 है, मेंस प्लस 50 है। ये हमारा सक्शन प्रेशर 80 के आसपास, और 1200 की आ गई इसकी रीडिंग, 1200 पे हमने सेट कर दिया है। ये हमारी रेटिंग आई है 1200 आरपीएम पे, मिनिमम प्रेशर है हमारा। आगे 1400 आरपीएम पे रीडिंग है इसकी, 1400 पे इसकी डिलीवरी आई है, ये रिटर्न आई है 60-50, और मिनिमम प्रेशर इसका 2.5। अभी कटिंग देखेंगे इसकी, कट ऑफ कहाँ पे हो रहा है तेल जाके हमारा 1400 आरपीएम पे। देखो दोस्तों इसमें सिर्फ रिटर्न आई है और कोई डिलीवरी वगैरह नहीं आई, सिर्फ रिटर्न आ रही है। तो यहाँ पे कट हो रहा है हमारा तेल, और पेड़ में प्रेशर जो 5 आ रहा है, सक्शन प्रेशर भी हमारा ठीक है 80 आ रहा है। उसका स्टार्टिंग डिलीवरी इसकी, स्टार्टिंग का जो प्रेशर है डिलीवरी कितनी आनी चाहिए, 200 पे प्रेशर सेट किया हमने, 100 आरपीएम रखी है, वेन पंप प्रेशर आ रहा है हमारा 2 के आसपास जो ठीक है, सक्शन प्रेशर हमारा 20 आ रहा है। इसकी डिलीवरी लेते हैं अब, दोस्तों वीडियो के अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे। देखो उसकी 250 डिलीवरी दे रखी है, देखो दोस्तों 110 और 140, ये हमारी मेन क्वांटिटी होगी, और वेन पंप प्रेशर हमारा 2 हो गया,